Assalamu alaikum students. Today we will read page number 4 and 5 of unit The Hare and the Tortoise. So take out your books and open page number 4. Yes, बताए हमने क्या पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था ना कि खरगोश क्या होते सो रहे होते और टॉर्टिस उसको पास करके चला जाता है. सो आज हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे फिर क्या होता है. सो आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. क्लास फर्स्ट यू हैव टू रीड विद मी. आफ्टर अ व्हाइल द हेयर वॉक अप. ही लुक्ड बिहाइंड हिम फॉर द टॉर्टिस. द टॉर्टिस वॉज नॉट देयर. The hare looked around wildly, trying to find a tortoise. To his horror, he saw the tortoise almost at the top of the hill. The hare jumped up and bounded away as fast as he could. The fox stood at the top of the hill. The tortoise got there first. Listen class. After a while the hare woke up. कुछ लम्हे बाद जो खरगोश होते वो जाग जाता है. He looked behind him for the tortoise. वो आगे पीछे देखते हैं किसके लिए? टॉर्टिस के लिए. द टॉर्टिस वॉज नॉट देयर. टॉर्टिस वहाँ नहीं होता, कछुआ वहाँ नहीं होता, क्योंकि वो क्या, वो उसको पार करके चले ही जाते हैं ना, हमने पढ़ा था ना. यस, द हेयर लुक्ड अराउंड वाइडली. खरगोश इधर उधर देखते वाइडली मतलब कि बेताबी के साथ इधर उधर देखते कि आखिर कछुआ कहाँ गया. ट्राइंग टू फाइंड द टॉर्टिस, किसको तलाश करता है? टॉर्टिस को, कछुए को. टू हिज हॉरर, इस खौफ में, इस दहशत में, ही सॉ द टॉर्टिस ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल. वो टॉर्टिस को देखता है ऑलमोस्ट तकरीबन पहाड़ के टॉप पे, जो सबसे टॉप होता है उस पे देख ही लेता है. आखिर द हेयर जम्प्ड अप, खरगोश जम्प चलांग लगाते एंड बाउंडेड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उछलता है इतना तेज उछलते जितना वो तेज भाग सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उतने ही तेज वो कोशिश करता है. द फॉक्स स्टूड एट द टॉप ऑफ द हिल. फॉक्स भी वहीं पे खड़ा होते हैं जहाँ पे टॉर्टिस पहुँच चुका होता है. द टॉर्टिस गॉट देयर फर्स्ट. टॉर्टिस वहाँ पहले गया होता है. सो यहाँ तक समझ आ गया? गुड. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 5. फर्स्ट रीड विद मी. इन द डिस्टेंस ही सॉ द हेयर बाउंडिंग अलोंग. The hare came hiring up out of breath. The tortoise looked at him and smiled. You have fine long legs, he said, but they did not get you here as fast as my short legs. Slow but steady wins the race. Listen class. In the distance he saw the hare bounding along. फासले पर ही वो देखता है हेयर को, खरगोश को bounding along उछलते हुए. The hare came hiring up out of breath. हेयर खरगोश आता है जल्दी में, out of breath मतलब के सांस फूलता हुआ आता है, मतलब कि जैसे कि हम कहीं भागते हुए जाते हैं हमारे सांस फूल जाते हैं, उसी तरह हेयर के साथ भी यही होता है. द टॉर्टिस लुक एट हिम एंड स्माइल. टॉर्टिस उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराता है. यू हैव फाइन लॉन्ग लेग्स, तुम्हारे पास तो अच्छे खासे लॉन्ग लेग्स हैं, लंबे पाँव हैं, ही सेड, वो कहता है. कौन कहता है? टॉर्टिस हेयर को कहता है, कछुआ खरगोश से कहता है. बट दे डिड नॉट गेट यू हेयर एज फास्ट एज माई शॉर्ट लेग्स.
लेकिन वो तुम्हें यहाँ तक नहीं पहुँचा पाए इतने जल्दी में जितने मेरे छोटे पाँव ने मुझे पहुँचाए यहाँ। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, आहिस्ता से लेकिन साबित कदमी के साथ मैंने ये रेस विन कर लिया। बेशक मैं आहिस्ता चल के आया लेकिन बिल्कुल बिल्कुल साबित कदमी के साथ मैंने ये रेस विन कर लिया। सो क्लास, मज़ा आया? आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डू व्हाट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टोरी। सो टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।